ये वीडियो है मेरी नवमी की, जिस दिन हमने कन्या पूजन किया था। और ये माता रानी का प्रसाद बन रहा है, हलवा बन चुका है, चने रेडी हो रहे हैं, एक तरफ सब्जी छोकी जाएगी आलू की और पूरी बनाई जाएगी। तो ये था हमारा माता रानी का प्रसाद। और ये हमारी कन्या आ गई हैं, प्यारी प्यारी कन्याएं प्रसाद ग्रहण कर रही हैं माता रानी का, हमें आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। और बहुत अच्छे से गया हमारा नवमी का त्यौहार, बहुत अच्छे से कन्या पूजन हुआ। और मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, सिर्फ यही क्लिप शूट की थी। और उसके बाद फिर मैं मम्मी के यहाँ पे चली गई थी कन्या पूजन के बाद में, वहाँ भी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, बस एक दो क्लिप ही शूट की थी। पहले मैं हफ्ते में 3 वीडियो डालती थी, लेकिन अब मैं 2 ही डालती हूँ, और शायद धीरे धीरे मेरी 1 हो जाए और धीरे धीरे फिर बंद भी हो जाए, क्योंकि मन ही नहीं करता है शूट करने का। हाँ, बस ये कि अपनी यादें थोड़ी सेव हो जाएंगी कि हाँ हमने क्या क्या किया था, बस इसी पर्पज़ से मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। और यहाँ पे कन्या हमें दे रही है आशीर्वाद, और बस इनका आशीर्वाद लिया हमने। और फिर मैं मम्मी के यहाँ पे आ गई थी, और ये सारे बच्चे खेत में कर रहे हैं शैतानी। और कियांश को तो यहाँ पे गुड़गांव में तो मिट्टी मिलती नहीं है खेलने को, बेचारा घर में बंद रहता है। तो मैं जब ये मम्मी के यहाँ पे जाता है तो मैं इसको ना ओपन छोड़ देती हूँ, जो करे जहाँ जाना है जहाँ खेलना है खेले। तो बस सारे बच्चे मिट्टी में इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अभी खेत में किसी ने ना कुछ बो नहीं रखा है, तो खाली पड़े हुए हैं खेत। तो सारे बच्चे बस एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं यहाँ मम्मी के आई हूँ पटौदी, और मतलब यहाँ आते ही ना बारिश स्टार्ट हो जाती है। पता नहीं क्या बात है, हम लोग बारिश लेके आते हैं, मतलब पानी तो ज़्यादा भरा नहीं है। हाँ, मतलब बारिश कल से स्टार्ट हो रखी है, आज है मंडे, हाँ संडे से बारिश स्टार्ट हो रखी है। मतलब इस बार पहले किसानों की फसल बर्बाद करती थी, इस बार तो मतलब फसल कुछ लग नहीं दे रहे हैं, बरसात स्टार्ट हो जाती है, मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। सुबह की बजे है 7:30 का टाइम हो रखा है, काफ़ी अच्छा मौसम है, ठंड स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें वीडियो में आगे मैं पोर्ट की वीडियो डालूंगी कि सीमेंट से मैंने कैसे बनाया पोर्ट, क्योंकि आगे मैंने कुछ शूट ही नहीं किया था। तो बस आगे पॉट मेकिंग की वीडियो देखने को मिलेगी, पूरा देखना। सो यहाँ मैं बना रही हूँ सीमेंट का पॉट। तो मैंने एक बलून फुला लिया था, बलून के ऊपर हमने न्यूज़पेपर के छोटे छोटे पीसीस कट करके उनको फेविकोल की हेल्प से बलून के ऊपर ये चिपका लेने, और ये 3-4 लेयर हमने लगानी है न्यूज़पेपर की, ताकि वो एकदम सख्त सा बन जाए, एकदम टाइट सा हो गया है। उसने बलून का ही शेप ले लिया है जो हमने न्यूज़पेपर चिपकाए थे। उसके बाद फिर जब वो सूख जाए, बहुत अच्छे से सूख जाए, तो फिर उसके बाद बलून को हमने चाकू की हेल्प से, कैंची की हेल्प से उसको फोड़ देना और उसको निकाल लेना है। उसके बाद फिर ऐसे ही कटोरी की हेल्प से हमें उसके ऊपर का ऊपर हमें कितना खुला छोड़ना है, उस हिसाब से हमें कोई बर्तन लेकर ऐसे सर्कल में शेप बना लेनी है और उसको कट कर देना है। और ये बहुत ही ईजी है, मतलब अगर बनाना आ जाए तो बहुत ईजी है, नहीं तो जिनको नहीं आता तो टफ़ है। मेरे लिए स्टार्टिंग में बहुत टफ़ था, पहला मेरा इतना ठीक नहीं बना था, फिर दूसरा मैंने बनाया वो उससे भी अच्छा बना, फिर तीसरा बनाया वो उससे भी अच्छा बना, और उसके बाद मैं अगर नेक्स्ट बनाऊंगी तो वो उससे भी अच्छा बनेगा। तो धीरे धीरे ही फिनिशिंग आएगी, एकदम से तो कोई देखो एक्सपर्ट होता नहीं है। तो मैंने इसको कट कर दिया है, और इसको हमने नीचे से इसका बॉटम बना लेना है, इसको दबा दबा के थोड़ा सा इसका बॉटम बना लेना है। और हमने यहाँ पर यूज़ करना है वाइट सीमेंट का, तो वाइट सीमेंट को हमने घोल बना के इसमें और इसके अंदर इसको अंदर पूरा फैला लेना है। और ये प्रोसीजर हमें 3 से 4 टाइम तक करना है, मतलब फर्स्ट टाइम ये वाइट सीमेंट का घोल इसमें डालकर इसको अच्छे से पूरे इसमें फैला लेना है, और इसके सूखने का वेट करना है। और मतलब 6 से 7 घंटे इसको लगते हैं सूखने में सीमेंट को ना, तो इसी तरह से इसको हमने सारे में सीमेंट को फैला लेना है। ये काम ना बहुत ही पेशेंस से करना चाहिए, और मेरे अंदर तो पेशेंस बिल्कुल नहीं है। और ये मतलब इस टाइप का हो गया, इसकी 2 लेयर एकदम से सूख चुकी हैं, अब ये 3री लेयर करूँगी मैं, वो इस सीमेंट का घोल बनाना है और इसके अंदर से हमने अच्छे से फैला लेना है इसको सीमेंट को। और बहुत ही प्यारा लगता है भाई जब ये बन जाता है। हाँ, इतनी फिनिशिंग तो नहीं आई थी मेरे वाले में, पर हाँ लेकिन अच्छा लग रहा था। जो जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे वैसे वैसे हमें इजी लगेगा।
कि हाँ बहुत ही इजी है। और अभी अपने हाथों से पॉट बनाइए और उनमें सुंदर सुंदर प्लांट लगाइए। तो मैंने एक में मनी प्लांट लगाया है, और फिर उसके बाद जब ये सूख गया तो इस तरह से हो गया, तो इसके ऊपर के न्यूज़पेपर मैंने जो अपने आप फटे थे वो हटा दिए। और फिर रग मार्क ले लेना है और उसकी हेल्प से पानी में डालकर न्यूज़पेपर को हटा लेना है। और ये थोड़ा जहाँ से भी तुम भाई ऊंचा नीचा लगे इसको फिनिशिंग दे देनी है। तो जो रग मार्क था वो मेरा गत्ते के टाइप कुछ का था, तो वो पानी में जाके ना एकदम गल गया। फिर मैंने स्कॉच ब्राइट लिया, मतलब मेरे पास कुछ ऐसा टूल्स तो नहीं था, जो भी था मैंने उसी से इसको फाइन किया, फिनिशिंग दी चाकू की हेल्प से, इसके थोड़े किनारे फिनिशिंग किए और उसका स्कॉच ब्राइट की हेल्प ली थोड़ा। और जितना मुझे लगा भाई मैं सेटिस्फाई हो गई कि हाँ अब ये ठीक है, और इससे ज़्यादा मैं इसमें फिनिशिंग नहीं दे सकती, इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकती हूँ। तो ये इस टाइप का हो गया। और ये इस टाइप का हो गया। तो मतलब मैं इतनी मेहनत कर सकती थी, मैं इसमें और भी फिनिशिंग देना चाहती तो दे सकती थी, लेकिन बस और ज़्यादा मेहनत मुझे करनी नहीं थी क्योंकि पेशेंस तो मेरे पास है नहीं। और बस इसको अभी हमें करना है पेंट। तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक कलर का यूज़ किया है, एक्रेलिक कलर होते हैं, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर पिक किया है। और बस ग्रीन कलर को हम इस पर कर देंगे। और ये मतलब कलरिंग होने के बाद जो भी आपको डिज़ाइन देना है भी बहुत प्यारा लगता है। तो इसमें मैंने कुछ ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन नहीं दिया, जो मैंने इससे पहले वाला बनाया था उसमें मैंने बहुत ही प्यारा डिज़ाइन दिया। तो ये ग्रीन कलर होने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा था, क्योंकि मेरे पास कलर की भी थोड़ा ना शॉर्टेज है। तो इसके ऊपर मैंने ये ट्राइंगल में और सर्कल में ये सब बना दिया था। और एक पॉट मैंने ये बनाया था रेड कलर करके, बीच में गोल्डन कलर डाल दिया था, तो मेरे दोनों रेडी है। इसमें मैंने मनी प्लांट लगाया है। तो भाई आप इस तरह से सीमेंट के पॉट बनाइए अपने घर में। आगे मैं कुछ नया ट्राई करूँगी, कुछ नई डिज़ाइनिंग करूँगी, तो वीडियो शेयर करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।